और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये वलोना मोटर है जिसको मैं आपको घर पर रिपेयरिंग करना सिखाऊंगा। इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने पर यह चालू नहीं होती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। अभी इस वायर को मैं प्लग टू पिन में लगाता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगाता हूँ और फिर इस बटन को चालू करता हूँ और इस बटन को भी चालू करता हूँ और इसको भी चालू करता हूँ। तो देखिए चालू नहीं होती है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये चालू नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको ये तीनों शेयर, यहाँ पे शेयर बोल्ट है, 1 2 3 शेयर, इन सभी को खोलना है इस प्लेट के। यहाँ से देखेंगे अपन इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। शेयर बोल्ट को खोल देंगे, इसको भी खोलेंगे और इसको भी खोलूँगा। इसको भी मैंने खोल दिया है। तो देखिए इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये चालू नहीं हो रही है। ये कस्टमर मेरे पास लेकर आया था, उसके घर पर ये पड़ी थी बहुत दिनों से। वो बोल रहा था कि इसके अंदर अभी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे रहे हैं तो ये चालू नहीं हो रही है। तो मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर इसका। यह देखिए एक बटन भी इसके अंदर का टूट गया है। अब पास से थोड़ा दिखाइए, एक बटन भी टूट गया है। दो बटन है इसके अंदर, एक बटन पे सीधी घूमती है और एक बटन पे उल्टी घूमती है। जिस तरफ आपको घुमाना हो उस तरफ अपन घुमा सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। पहले सभी वायर भी खोल लेंगे, इसके सभी वायरों को भी मैं खोल देता हूँ और आपको आसानी से समझाऊँगा। इस वायर के कनेक्शन करना भी सिखाऊँगा कि मैं वापस किस तरह वायर के कनेक्शन करता हूँ, वो भी मैं बताऊँगा। क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये चालू नहीं हो रही है। देखिए मैंने इसको खोल दिया है, देखिए एक इसका कॉमन वायर है। देखिए ये रेड कलर का और ब्लैक कलर का मिलाकर एक वायर बनाया था, ये कॉमन वायर है, मेन वायर। और यह है इसका यह कैपेसिटर का रनिंग वायर है जो इसके और इसके दोनों के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे। अगर सीरीज में डायरेक्ट जाता हूँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ये चालू होता है या नहीं होता है, तो मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देख के बताता हूँ डायरेक्ट इसके अंदर। यहाँ से प्लग में यहाँ पर मैं लगाता हूँ और फिर यहाँ से बटन चालू करता हूँ और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देता हूँ, मोटर चालू होती है या नहीं होती है। देखिए दोस्तों ये चालू हो गई है, देखिए तो इसके बटन के अंदर की प्रॉब्लम थी। और अब इस बटन को भी देखेंगे कि ये सही है या नहीं है। तो इस बटन को मैं चेक करूंगा, ये बटन वाला है, इसको सीरीज से चेक करूंगा। यहाँ पे दोनों के सीरीज वायर लगाऊंगा, ये देखिए एक यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगाया, इन दोनों पॉइंट के मैंने वायर लगा दिया। अब इस वायर को मैं सीरीज बोर्ड में लगाऊँगा। देखिए अब मैंने सीरीज वायर में लगा दिया और इस बटन को चालू करता हूँ। तो ये इसका बटन ठीक है, देखिए बटन इसका ठीक है, सीरीज में सही बता रहा है। चलिए अब मैं आपको इसकी वायरिंग भी फटाफट करके बताता हूँ। देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के दो वायर है, देखिए तो एक वायर को आपको इनमें से कोई भी वायर ले सकते हैं और एक वायर को आपको इस मेन वायर जो है कॉमन वायर है, देखिए ब्लैक एंड रेड कलर का, इसके आपस में जॉइंटिंग करना है। इसको सही अच्छी तरह से जॉइंट कर देंगे और इसके ऊपर टैप लगा देंगे। देखिए दोस्तों मैंने एक लाल कलर का लिया है और एक ये कॉमन वायर जो था मेन वायर जिसको बोलते हैं। अब इसके टैप लगा देंगे इस तरह, देखिए मैं इसके टैप लगा देता हूँ। आपको अच्छी तरह टैप लगा देना है, इसके मैंने टैप लगा दी है। और पीछे बसा एक ये वायर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का और एक ये वायर बसा, देखिए कैपेसिटर की और मोटर का वायर है। तो इसको अपन लगाएंगे इस बटन के अंदर, ये बटन है, इस बटन में लगाएंगे। आप कोई भी पॉइंट कहीं पे भी लगा सकते हो इस बटन के। चलिए मैं लगाता हूँ अब इसमें कोई भी लगा सकते हो कोई भी वायर इसके अंदर, इसका कोई लेना देना नहीं होता है। देखिए दोस्तों मैंने एक वायर को लगा दिया या इस पर और इसको आती कसेंगे, इस वायर को भी इस बटन के पॉइंट पर लगा देंगे।
उसको भी मैं लगा के बता देता हूँ। अगर इस तरह आपके घर में भी ये हलोना मोटर है और चालू नहीं होती है तो इस तरह आप घर पर रिपेयरिंग कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट ऑफ वोल्ट हो। अब इसको मैं चेक करके बताऊंगा वापस इसको, ओके चालू होती है या नहीं होती है। देखिए अब इसकी मैंने वायरिंग कर दी है और अब इसको चेक करके आपको बताता हूँ वापस। तो ये इसकी केबल है, वायर है, अब इसको मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगाता हूँ इस पर। देखिए इसमें लगाया और देखिए ये चालू हो रही है, और ये बटन को बंद किया तो बंद हो गई, और अभी इसको चालू किया था ये चालू हो रही है। तो इस तरह आप घर पर, आपके अंदर घर पर भी हलोना मोटर है और चालू नहीं हो रही है, तो इस तरह आप घर पर रिपेयरिंग कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।